But cloth shimmery. Hi guys, welcome back to my channel and welcome back to my new video. And आज की वीडियो जो होने वाली है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है. ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इससे पहले मैंने कोई सी भी वीडियो नहीं करी है इसके अकॉर्डिंग. सो आज जो वीडियो टॉपिक होने वाला है बेसिकली वो होने वाला है मीशो के ऊपर या ऊपर होने वाला है. ये कोई कपड़ों के ऊपर, साड़ी के ऊपर या फिर कोई हॉल वीडियो नहीं होने वाली है. बेसिकली ये होने वाला है मीशो के मेकअप के ऊपर. एंड मैं मीशो की बात कर रही हूँ, मुझे मीशो का मैसेज आ गया. सो है वो होने वाला है बेसिकली मीशो के सबसे चीप मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में. एंड ऑब्वियसली मेरे चैनल पे फर्स्ट वीडियो होने वाली है मीशो के चीप मेकअप प्रोडक्ट्स के ऊपर. सो मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने मीशो कोई सी भी मेकअप के प्रोडक्ट्स नहीं मंगवाए हैं. सो ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैंने मीशो से मेकअप प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं. बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ बट या सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सबसे चीपेस्ट मीशो. सो नर्वस क्योंकि इससे पहले मैंने मीशो का कोई सा भी ऐसा प्रोडक्ट अपने फेस पे अप्लाई नहीं किया है. सो या तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने मीशो मंगवाया है, क्या क्या मंगवाया है एंड सारी चीज़ों का रिव्यू मैं आप लोगों को दूंगी. एंड मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तो नहीं नहीं बनाना चाहती हूँ. मैं चाहती हूँ कि वीडियो बहुत छोटी सी और बहुत फन वीडियो हो जाए क्योंकि यू नो टक जाती है जहाँ पे मैंने मेकअप्स मंगवाए. हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ जो पैकेजिंग मैंने मंगवाई है मीशो से, जो मेकअप्स प्रोडक्ट्स मैंने मंगवाए हैं मीशो से वो किस तरीके से मुझे रिसीव है. एक पैकेजिंग, एक पैक था, मतलब एक उन्होंने पैकेजिंग बना रखी थी जिसमें 10 प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे एज अ नॉर्मली जो मेकअप्स के लिए चाहिए होते हैं, प्राइमर, फाउंडेशन, कंसीलर, ब्यूटी ब्लेंडर, आईलैशेस वगैरह, ये सब सारी चीजें. सो उन्होंने एक 10 का पैकेजिंग बना रखा था और वो मुझे मिला है 216 रुपए में, जो कि काफी अच्छी बात है. और उसमें मुझे 10 मिले हैं तो कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट्स मुझे रिसीव हुए हैं. सो ये मुझे एक ब्राउन कलर के पैकेट में हुआ था बट उसमें बहुत सारे ऐसे टूटे हुए ना वगैरह ना, जो आइस पैलेट का जो होता है टूटा हुआ शिमर शिमर सा हाईलाइट वगैरह बहुत ज्यादा गिरा हुआ था. तो मैंने उसमें से निकाल के इसको इस अपने बॉक्स में डाल दिया, अच्छे लगे क्योंकि इस पे देखो अभी तक ना लगा हुआ है. सोचा कि वो मेरे कपड़ों पे गिरेंगे, इससे बेटर मैं इसको निकाल के इसमें रख लेती हूँ. बट यू नो वेरी ऑन, मुझे नहीं पता था कि इतने बेकार प्रोडक्ट्स आएंगे क्योंकि देख के लग रहा है. यू नो मैंने फर्स्ट टाइम ये लिपस्टिक निकाली एंड थी और इतनी बेकार लग रही है ये देखो. सो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्योंकि मुझे मीशो में चीपेस्ट पैकेट में मुझे क्या क्या रिसीव हुआ है. सो फर्स्टली क्या है हमारे फेस के लिए, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, फेशियल सीरम, मेकअप फेशियल सीरम जो कि मुझे रिसीव हुआ है कुछ इस तरीके का. उसका लिखा हुआ सब कुछ मिक्स मैच करके लिखा हुआ है इन्होंने. सो फर्स्टली जो है ये हमारे पास आ जाता है फेशियल सीरम में, बट मुझे नहीं पता कि मेरे फेस पे लगने के बाद कैसा रिएक्शन देने वाला है. वेरी ऑनेस्ट ये देखिए, इन सब में से बहुत अजीब सी और बहुत वियर्ड स्मेल आ रही है. पकी है कुछ में से तो शायद साबुन जैसी स्मेल आ रही है, कुछ इस टाइप का है, देख लीजिए आप. फेस के लिए हमारे मेकअप के बाद है वो है प्राइमर. सो हुडा ब्यूटी पता नहीं किस चीज का प्राइमर लग रहा है हुआ है, बट इसमें ना मुझे बिल्कुल भी विश्वास सा नहीं हो रहा कि इसमें प्राइमर ही है या फिर कुछ और भी है. मैंने जैसा कि आपको बताया कि डीप सी स्मेल आ रही है, यू नो ये कुछ इस टाइप का प्राइमर लग रहा है एंड ठंडा ठंडा लग रहा है बट स्मेल आ रही है, कुछ इस प्राइमर है. अभी मुझे नहीं पता कि ये क्या रिएक्शन करने वाले हैं. बात हमें फाउंडेशन चाहिए होता है. सो मुझे फाउंडेशन तो खैर नहीं मिला, मुझे मिली है ये बेबी क्रीम. यू नो आप देख सकते हो ये कैसे गिरते पड़ते आया है मेरे पास और इस सब सारी चीजों पे ना सारा ऐसे शिमर शिमर लगा हुआ है, तो इसको साफ करना चाहिए था तो, बट अभी भी उसमें से शायद प्रोडक्ट्स गिर रहे हैं इस वजह से लगता जा रहा है. तो सेकंड जो है वो मेरे पास है ये बेबी क्रीम एंड इसका टेक्सचर पता नहीं क्या है, वो तो लगाने के बाद ही पता चलेगा ऑनेस्टली. चलो टेक्सचर क्रीमी है और बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग है, मुझे नहीं लगता कि ये यूज़ होगा मेरे फेस पे एंड बहुत ज़्यादा फेयर है मेरे टोन के अकॉर्डिंग, मेरे फेस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा फेयर है ये. एंड या जो थर्ड था वो ये है बेबी क्रीम एंड जो फोर्थ प्रोडक्ट है हमारे पास वो है कंसीलर जो कि मैक का है. एंड मैं सच बताऊं जब मैंने कंसीलर ऐसे स्मेल
किया ना, इसमें से बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस आ रही है वो लाइव बॉय सोप की, एंड थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है ऐसे लाइव बॉय सोप की, और ये बहुत ज़्यादा ही वाइट है, वाइट मतलब बहुत ही ज़्यादा वाइट है, और पता नहीं मुझे कि ये इतना वाइट है क्यों, और ना ही कोई कवरिंग है ना ही कुछ और है, मैंने यहाँ पे भी लगाया है एंड यहाँ पे आपको लगेगा ही नहीं कि यहाँ पे इसकी कवरिंग है। इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा गोरी हैं, फेयर हैं, और पता नहीं क्यों ऐसी है, और सब में से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सब में साबुन मिलाया हुआ है वो भी लाइफबॉय। मैं सच बताऊँ तो इस चीज़ों का मैं आपको रिव्यू दूँ तो फर्स्टली मतलब इसके साथ तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत बेकार रहा है, क्योंकि मेरे पास ऑनेस्टली सारी चीज़ें ना टूटी हुई आई हैं, जो लूज पाउडर है वो सब टूटा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या है। एंड जो सेकंड है वो आया है हमारे पास हुडा ब्यूटी का मेकअप फिक्स, और इसमें मैंने वही कहा आपको कि ये सब कुछ मिक्स मैच करके नाम लिखे हुए हैं, आई डोंट नो पता नहीं क्या है, बट इसमें से भी वही स्मेल आ रही है जो आ रही है लाइफ की, एंड आई डोंट नो पता नहीं क्या काम करेगा है, वो है इन्होंने लैशेस दी हुई है जो कि गुड थिंग है, एक लिए मुझे लैशेस एंड मुझे नहीं लगता कि मैं इसको पहनूंगी आज तो बिल्कुल नहीं, बट ये करूंगी सारी चीजें। किन है वो है आई लैशेस, चाहिए होता है हमारे मेकअप्स के लिए वो होता है स्पंज, जो कि बहुत बेकार आया, सीरियसली बताऊँ क्वालिटी ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और इस पे जैसा कि मुझको लगा कि ये लिपस्टिक क्योंकि खुली हुई थी और कुछ इस टाइप की है, जो देख सकते हो आप कुछ इस टाइप की है, एंड ये पूरे पैकेट पे खुली हुई थी और मुझे लग रहा है कि ये सारी लिपस्टिक इस स्पंज में लग चुकी, और मेरा जो स्पंज है वो पूरा रेड रेड हो चुका, पता नहीं क्यों, बट ये कुछ इस तरीके का स्पंज आया था, यू कैन सी स्पंज थोड़ा कह सकते हैं बेटर है बट बहुत ज्यादा बेटर नहीं है, इसकी भी क्वालिटी बहुत बेकार हो रखी है। मेरे पास है मैक का लूज पाउडर है एंड देख सकते हो आप, अभी मैं इसको खोलूंगी नहीं, मुझे खोलते समय भी डर लग रहा है, वो मैक का लूज पाउडर है, और अब मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ कि इसके अंदर है क्या, ठीक है। ये मैंने आपके सामने खोला, इसको मैंने खोला था बट इसको मैंने अंदर कर दिया फिर से क्योंकि पूरा गिर रहा था, और ये हमें कुछ इस टाइप से लूज पाउडर मिलता है, और इसलिए बताऊँ लूज पाउडर अच्छी बात है, ये लूज है बट इसके अंदर का जितना हार्ड है ना, ये इतना हार्ड है कि अगर आप इसको अपनी स्किन पे ज़रा सा रब करोगे ये आपके फेस को पूरा स्क्रैच कर देगा। सो, मुझे इसका लूज पाउडर अभी तक मैंने खोला नहीं था क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गंदा था अंदर से, ये कुछ इस टाइप का लूज पाउडर ना आपको मिलता है, स्मेल ठीक है, कोई बुरी नहीं है, इसकी स्मेल ठीक है बट ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो ओरिजिनल नहीं है, कहीं आप समझ रहे हो कि ये ओरिजिनल है, ये बिल्कुल ओरिजिनल नहीं है, ये सारे लोकल प्रोडक्ट्स हैं और सबसे बेकार प्रोडक्ट्स हैं, आप लगाने से पहले 10 बार सोचिए। एंड इट दिया है मेकअप, यू कैन सी यहाँ पे लिपस्टिक लगी हुई है, ये देखिए तो मेकअप ना सब मुझे लगता है खेलते हुए आए हैं सारे मेकअप एक दूसरे के साथ, और ये लिपस्टिक तो मुझे इतनी बेकार लगी है ना इनकी, हाइलाइटर दिया है और पता नहीं हाइलाइटर लिखा है लेकिन पता नहीं शायद ये लूज पाउडर है हाइलाइटर, आई डोंट नो, आई एम सो कंफ्यूज इनके मेकअप प्रोडक्ट्स को लेके ना, यू कैन सी ये किस हिसाब से टूटा हुआ है ना, माय गॉड ये तो इनकी हालत है, ये बंदा ये देख सकते हो आप, ये पूरा टूटा हुआ है, मतलब ऑनेस्टली ये पूरा टूटा हुआ है, पता नहीं क्या है, ये हाइलाइटर जैसा टच दे रहा है बट ये शायद लूज पाउडर है बट ये हाइलाइटर तो बिल्कुल नहीं है, और ये पूरा टूटा हुआ है, इसको मैं क्या ही, मैं साइड ही रख देती हूँ क्योंकि मुझे अपने कपड़े गंदे कराने का कोई शौक नहीं है। मेरे हाथ पे ना पूरे में लिपस्टिक लग गई है, ये देखिए कुछ इससे, दो लिपस्टिक्स भी दी थी है ये वाली, ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं 10 बार सोचूंगी यूज करने से पहले अपने लिप्स पे, क्योंकि मैं इसको यूज भी नहीं करूंगी, ये इतनी बेकार है और क्या है मुझे तो समझ में ही नहीं आया। सेकेंड है ये वाली लिपस्टिक जो कि ठीक ठाक भी लग रही है और रेड कलर है दोनों रेड, ये डार्क रेड है वो भी डार्क रेड है बट पता नहीं कौन सा रेड है, वो मुझे तो समझ में नहीं आया। एंड लिपस्टिक ये वाली मुझे ठीक लगी और इसको फेंकूंगी, इसको मैं तो यूज नहीं कर सकती बिल्कुल। मैं आपको दिखा दूं मेरे पास टोटली 10 प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने एक पैकेजिंग में मंगाया था मीशो से, एंड मैंने एक आइस पैलेट अलग से मंगाया था जो मुझे 16 रुपीज का पड़ा था और वो था हुडा ब्यूटी का, मतलब ऐसा मुझे शो किया गया था कि वो हुडा ब्यूटी पैलेट है
एंड जब मैंने मंगाया तो वो कुछ इस टाइप का आइस पैलेट आया एंड सीरियसली बताओ उसको खोलने से पहले मैं डर रही हूँ, कुछ गए बहुत ज़्यादा गंदे हो गए। तो ये कुछ इस टाइप का आइस पैलेट है जो मेरे को रिसीव हुआ है कल। ये पूरा टूटा हुआ है और ये पूरा खाली है, यू कैन सी, मतलब ये देखिए आप, ये पूरा खाली है, थोड़ा पूरा, मतलब ये दोनों तो पार्ट्स खाली हैं। और ऐसा नहीं है कि एक जगह से यूज़ किया ना, इन्होंने कोई यूज़ किया हुआ है शायद, ये यूज़ माल है एंड कुछ कुछ जगहों से चीज़ें निकली भी हुई हैं, पूरी टूटी हुई है, मतलब भेजने की ज़रूरत ही क्या थी यार। सो जो मेरा लास्ट और अलग का है कि मैंने सोचा था कि मैं अपना आईज मेकअप कैसे करूँगी, सो मैंने 16 रुपीज का हुडा ब्यूटी का आइस पैलेट मंगाया था जो कि मुझे रिसीव हुआ है ये। सो दोनों की ना पिक्चर्स और लिंक्स मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। प्रोडक्ट्स अपने फेस पे तो बिल्कुल भी नहीं यूज किए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मैं ये आज रिव्यू और ये एक्सपीरियंस करने जा रही हूँ। मैं बहुत नर्वस हूँ लेकिन आपको चीज़ों का रिव्यू भी देती रहूंगी कि फेस पे अप्लाई करने के बाद ये कैसा फील कर रहे हैं, कैसा फील नहीं कर रहे हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्टली हम अपने बाल को थोड़ा सा ठीक कर लेंगे कि हमें ना पड़े और कोई प्रॉब्लम ना। ओके, तो यहाँ मैंने अपना फेस जो है वो अच्छे से क्लीन कर लिया है और अपने फेस पे अपना मॉइस्चराइजर लगा लिया एज अ सेफ्टी के लिए कि मेरा फेस ज़्यादा ख़राब ना हो अगर कोई प्रॉब्लम है। तो अब हम मेकअप स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बट यहाँ पे यूज़ करूँगी मेकअप सीरम यूज़ करूँगी जो कि, और इसकी फ्रेगनेंस ना थोड़ी सी अजीब कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली है, यू नो, थोड़ा नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कोकोनट ऑयल या फिर किसी चीज़ को, बट हाँ फेस पे लगाने के बाद मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैंने तेल लगा लिया अपने फेस पे। ये थोड़ा नहीं, बहुत ऑयली है और ऐसा फील दे रहा है आपको ना कि आपने अपने फेस पे एक कोकोनट। ओके, तो टाइम ले रहा है, नॉर्मली जो मेकअप फेशियल ऑयल होते हैं वो टाइम नहीं लेते हैं, जल्दी से ज़ॉब हो जाते हैं आपके फेस पे, बट ये ज़्यादा टाइम ले रहा है। और ये देखिए आप ना, मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली तो दिख ही रहा है, मतलब ऑयलीनेस तो दिख ही रहा है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही ऑयल है, ये बहुत ज़्यादा ऑयली है, यू नो व्हाट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ जो कि है इनका प्राइमर। तो यूज करते हैं और प्राइमर देखते हैं कि कैसा है एज अ रिजल्ट में। सो यहाँ पे मैंने इनका प्राइमर लिया है, यू कैन सी प्राइमर, और यहाँ पे मैं अप्लाई। थोड़ा सा ठंडा ठंडा तो लग रहा है बट मतलब थोड़ा सा कोल्डनेस लग रहा है और ऐसा कुछ फर्क तो नहीं दिख रहा, बट हाँ बहुत ज़्यादा वाटरी वाटरी लग रहा है मेरे फेस पे क्योंकि मैंने फेशियल्स, वो मेकअप फेशियल सीरम भी लगाया है एंड देन उसके बाद प्राइमर, तो यू नो थोड़ा तो मुझे फर्क दिख रहा है। अब पता नहीं इसको कितना टाइम लगेगा रिजॉल्व होने में, आई थिंक सो 5 to 10 minutes, मैं ये तो बहुत ज़्यादा हो जाए। हाँ मतलब प्राइमर लगाने के बाद आपका फेस थोड़ा सा इक्वल हो जाता है एज अ मेकअप के लिए, तो प्राइमर मुझे लगता है ठीक है, मुझे लगता है कि हमने उस ऑयल के ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी लगा लिया है तो वो डिसबैलेंस होने की जगह इक्वल हो गया है। सो बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है, बहुत ज़्यादा चिपचिपा फील नहीं हो रहा है जब मैंने प्राइमर लगाया है। तो या और प्रोडक्ट की तरफ जो कि होने वाला है हमारा फाउंडेशन। फाउंडेशन तो नहीं है, बेबी क्रीम हम यूज़ करने वाले हैं एज अ मिशो की। बेबी क्रीम मेरे टेक्सचर, मतलब मेरे स्किन अकॉर्डिंग के हिसाब से मेरा टोन नहीं है, ये बहुत फेयर कलर है ये एंड जो कि मुझे नहीं लगता बहुत सूट करेगा। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ आपके सामने 2 pumps। वैसे ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं इतना बेबी क्रीम यूज़ नहीं करती भी चीज़ को लेके, बट अभी मैं बेबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ। पता नहीं, मुझे लगता नहीं है मुझे कवरेज देगा, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है कि थोड़ी तो कवरेज दे। ओके, तो इन्होंने कोई ब्रश वगैरह तो नहीं दिया है। ओके, तो ये बेबी क्रीम मेरे फेस से निकल रहा है मैल की तरह, मुझे
ऐसा क्यों लग रहा है कि ये प्रोडक्ट्स लगाने के बाद मेरे फेस पे पिंपल निकल जाएंगे? Oh my God. इससे पहले नहीं था, अभी आ गया। ओके, तो फाउंडेशन के बाद ऐसा लुक आया है मेरे फेस पे और मुझे थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है अपने फेस की, बट पता नहीं क्यों बट हो रही है। मुझे टेंशन हो रही है कि मेरे फेस पे कहीं पिंपल ना आ जाए। रिजल्ट मुझे मिला है कुछ इस टाइप का मिला है, जो कि मुझे लग रहा है लाइट मेकअप के अकॉर्डिंग ठीक है बट अभी ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। हम सारे प्रोडक्ट्स करते हैं इसके नेक्स्ट प्रोडक्ट के। कंसीलर एंड वो भी मैक का कंसीलर नहीं है, ये मैक का कंसीलर है और मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, पता नहीं इसका कैसा लुक आएगा, ये देख लीजिए। बट इसमें से बहुत ज्यादा ना अजीब सी फ्रेग्रेंस आ रही है, वही जैसे मैंने कहा ना सोफ की वैसी सी बहुत स्मेल आ रही है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा। बट ये क्यों मुझे लग रहा है कि साबुन है। तो यहाँ पे मैंने कंसीलर तो अप्लाई कर लिया है अभी, और जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा, तो ये देखिए क्या आया है। अब ये तो गायब हो गया। ओके, तो जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने ही लगाया था ये कंसीलर, जो कि बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा था, मतलब मैं एक बार ना आपको फिर से दिखाती हूँ कैसा वर्क कर रहा है। ये मैंने लगाया ठीक है, और ये मैंने लगाया और ये, आई डोंट नो पता नहीं क्या है, बट कोई बात नहीं, अभी कोई चीज वेट नहीं करेंगे बिल्कुल भी अपने फेस पे। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि क्या होने वाला है। लूज पाउडर, लूज पाउडर यूज करने वाले हैं, मैक का लूज पाउडर। चलो लूज पाउडर तो वर्क कर रहा है, यू नो व्हाट, लूज पाउडर मुझे अच्छा लगा क्योंकि बाकी जितने प्रोडक्ट्स यूज करे ना, थोड़ा बहुत तो वर्किंग है। आप देख सकते हो मेरा जो फेस बहुत ज्यादा ऑयली चमक रहा था, उसको उसने सेटल डाउन तो कर दिया है। मैं फिर भी नहीं कहूंगी आपको कि आप, मैं इसको रेकमेंड कर सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें से भी ना साबुन जैसी स्मेल। चलते हैं अपने 16 रुपीज वाले आईज पैलेट की तरफ और इससे हम करते हैं अपना आईज मेकअप। नहीं, आई कैन ट्राई। सो मैं कौन सा आईज लुक करूँ, मेरे को बहुत कंफ्यूजन हो रही है। सो फर्स्टली इस पे तो पूरा ना लगा ही हुआ है, तो इसको पहले साफ करूँ, क्या करूँ। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत ज्यादा मीशो मैस वीडियो होने वाला है, मेकअप मैस वीडियो होने वाला है। तो चलो हम सबसे पहले लेते हैं इसमें से शिमरी कलर एंड थोड़ा सा अपना आईज थोड़ा सा ठीक करेंगे एंड देन उसके बाद हम लेते हैं पर्पल कलर एंड देन अपने आईज लेट पे लगाते हैं। मैंने ये दो कलर चूज किए हैं, शिमरी ब्राउन एंड पर्पल, जो कि काफी अच्छा लग रहा है। एंड या अभी तक मेरे फेस पे आईज पे कहीं पे भी इचिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो आई थिंक मेरा फेस हमारा ऑल टोटल जो था वो डन होता है। मैं ऑब्वियसली इन्होंने मुझे आई लैशेज दी हैं, लेकिन मैं इनको लगाऊं कैसे, ग्लू तो मेरे पास है ही नहीं। सो ग्लू आई लैशेज को हम स्किप करते हैं, हम आई लैशेज नहीं लगाने वाले। अब हम मैं ब्लश किससे लगाऊं, चलो ब्लश मैं लिपस्टिक से लगा लेती हूँ, इस वाली लिपस्टिक से। जो ब्लश करना है वो मैं इससे ही कर लेती हूँ, क्योंकि उन्होंने ब्लश तो दिया नहीं। तो यहाँ पे मैंने ब्लश कर लिया है एंड बुरा नहीं लग रहा, बट अच्छा भी नहीं लग रहा, बहुत ज्यादा अजीब सा लग रहा है पता नहीं क्यों, बट या ये लुक है अभी तक तो फाइनली। अब हम चलते हैं अपने लास्ट और एंडली किस चीज की तरफ, हमारा आईज सब कुछ फाउंडेशन सब कुछ हो गया, एवरीथिंग इज डन एंड आईब्रोज के लिए उन्होंने हमें कुछ भेजा नहीं, तो हम क्या अप्लाई करें, ऑब्वियसली नहीं। सो अब हम चलते हैं लास्टली और एंडली लिपस्टिक की तरफ, जो कि यही वाली लिपस्टिक मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने लिप्स पे, थोड़ी नर्वस हूँ बट कर रही हूँ। बट तो अभी तक का जो लुक था और ये जो मेरे 10 मेकअप प्रोडक्ट्स हैं फ्रॉम मीशो एंड उसका लुक कुछ इस तरीके से आया है। एंड लास्टली और एंडली हमें यूज करना है इनका हुडा ब्यूटी का मेकअप फिक्सर,
एंड मैं थोड़ा सा डर रही हूँ मेकअप फिक्सर यूज करने से पहले, क्योंकि ये बहुत पिचिक सी ना बॉटल है, कुछ अजीब सी बॉटल है, आई डोंट नो पता नहीं क्या है अंदर, पानी है क्या है, आई थिंक पानी ही लग रहा है मुझे, ऐसा कुछ लग नहीं रहा मुझे इसके अंदर कुछ है, इसको खोल के देखेंगे। इसको डाल के देखते हैं कि इसका इसके अंदर है क्या। भाई साहब, भाई गॉड, ये वाटर है सिर्फ, ये देखिए ये सिर्फ पानी है अंदर, मैं कह रही थी कि इसके अंदर सिर्फ पानी और कुछ भी नहीं है। सो ये सिर्फ और सिर्फ पानी है और कुछ भी, कहीं आपको लग रहा हो कि इसके अंदर प्रोडक्ट डाल रखा है तो ये गलत फहमी है आपकी, इन्होंने सिर्फ पानी भेजा है मुझे ये हुडा ब्यूटी के उसमें, लेकिन फिर भी मैं मेकअप करूंगी। बहुत अजीब थी जो था वो था मेरा मेकअप फिक्सर जो मैंने यूज कर लिया है, जो कि पानी के थ्रू में मैंने यूज किया है। माय गॉड, लोगों का भरोसा नहीं कर सकते हम किसी भी चीज में। ओके ओके, तो मेरा मेकअप जो था वो फाइनली डन हो गया है। अब आते हैं फाइनल रिजल्ट्स के बारे में। अब आप बोलोगे मैं क्यों ऐसे देख रही हूँ आपको, राइट, बट यू कैन सी कुछ इस तरीके से हमारे ऊपर चीजों की बरसात हुई है। मेरा शूट चल रहा है, मतलब ऑब्वियसली मेरा शूट है, और ये मुझे रिजल्ट्स मिले हैं मीशो के मेकअप प्रोडक्ट्स, वो फाइनली हो चुका है। मेरा लुक्स देख सकते हो किस हिसाब से मेरे को लुक मिले हैं, एंड मैं बहुत